बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी किचन में बनने जा रही है मैक्रोनी, जिसके लिए एक कप मैंने स्पेगेटी ली है, एक कप मैंने एल्बो मैक्रोनी ली है और एक कप मैंने पास्ता लिया है मैक्रोनी। सब्जियों में एक मैंने बंद गोभी का फूल लिया जिसको मैंने बारीक काट लिया, एक शिमला मिर्च है जिसको बारीक काटा है, दो से तीन गाजरें हैं जिनको मैंने स्लाइस कर लिया, आधा किलो ये चिकन का कीमा है जिसको मैंने बोटियाँ थोड़ी बड़ी करवाई हैं, आधा किलो चिकन का कीमा है। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, ये एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें ये दो से तीन हरी मिर्ची हैं उनको मैंने पीसा है ये लगेगा, वन टीस्पून इसमें लाल मिर्च लगेगी चिकन में और ये वन टेबलस्पून इसमें टिक्का मसाला है, काली मिर्च का पाउडर है ये लगेगा इसको चिकन को, और नमक है ये इसमें शामिल होगा। दो टेबलस्पून इसमें ब्लैक ऑलिव लिए है मैंने, दो टेबलस्पून इसमें मैंने ये स्वीट कॉर्न लिए, वन लेमन का जूस जाएगा इसमें, ये ऑलिव और कॉर्न से ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं वरना आपकी चॉइस है। टू टेबलस्पून इसमें चिली सॉस है, टू टेबलस्पून इसमें सोया सॉस है, टू टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल होगा। तमाम मसाले लगा के इसको मैंने मैरिनेट कर दिया, अब इसमें वन लेमन का जूस है ये स्क्वीज करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट हम मसाला लगा के छोड़ेंगे ताकि चिकन में हमारे मसाले का जो टेस्ट है ये शामिल हो। पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था, इसमें 1 टीस्पून भर के नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तमाम मैक्रोनी का कुकिंग टाइम सेपरेट है इसलिए हम अलग अलग इनको बॉईल करेंगे और चेक कर लेंगे कि मैक्रोनी जो है हमारी पक चुकी है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने एल्बो मैक्रोनी लिया है इसको बॉईल कर लेंगे। ये मैक्रोनी बॉईल होने के बाद मैंने इसमें पैनी पास्ता शामिल किया था, इसको मैंने 10 मिनट जो है इसको बॉईल किया है, ये देखिए ये भी डन हो चुका है। पैकेट के लिए भी पानी बॉईल हो चुका है, इसमें भी मैं 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा, अब इसमें स्पैगेटी बॉईल करेंगे हम लोग। स्पैगेटी भी हमारी डन हो चुकी है, इसको मैं अब स्ट्रेनर में डाल के पानी के नीचे ठंडा करूँगी। ये तीनों मैक्रोनी हमारी जो है ये रेडी हो चुकी है, अब हम जो है वेजिटेबल और चिकन को फ्राई करेंगे। ये एक मैंने पैन लिया है, इसमें 3 टेबलस्पून मैं ऑयल शामिल करूँगी और चिकन इसमें फ्राई करूँगी जो हमारा हमने मैरिनेट करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तमाम जो चिकन है ये शामिल करेंगे, तमाम चिकन इसमें शामिल करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। चिकन को आपने 10 से 15 मिनट फ्राई करना है, 10 मिनट फ्राई करने के बाद चिकन को मैं 5 से 10 मिनट स्टीम में रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए स्टीम में हमारा चिकन जो है ये पक चुका है, अब मैं वेजिटेबल फ्राई करूँगी। 10 मिनट स्टीम के बाद ये देखिए चिकन हमारा डन हो चुका है। ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून जो है ये ऑयल शामिल किया, अब इसमें मैंने गाजर इसमें शामिल कर दिए, इसको 5 मिनट में सिर्फ फ्राई करूंगी, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें बाकी वेजिटेबल शामिल करेंगे, शिमला मिर्च को भी 5 मिनट फ्राई करेंगे, फिर इसमें कैबेज शामिल करेंगे। शिमला मिर्च को 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें गोभी को शामिल करेंगे। वेजिटेबल जो हमारी फ्राई हो चुकी है, इसमें हम 1 टीस्पून इसमें भी नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगा, 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। स्पाइसेस आप अपनी जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल होगा। सब्जियाँ फ्राई होने के बाद इसमें चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्जियाँ और चिकन फ्राई मिक्स करने के बाद इसमें मैं ये कॉर्न्स और ऑलिव्स ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया, इसमें अब मैं मैक्रोनी शामिल करूँगी तीनों। ये देखें तमाम चीज़ें जो है मैंने मिक्स करके इनको लाइट सा और फ्राई किया है, अब मैं इनको सर्व करती हूँ। माशाल्लाह ये देखें मैक्रोनी हमारी रेडी है, आप इसको केचप के साथ या मायो के साथ सर्व करें। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।